क्या आप नेशनल पेंशन सिस्टम खाता यानी NPS खाते में लॉगिन करने में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं? हो सकता है कि आपका NPS अकाउंट फ्रीज हो गया हो। NPS अकाउंट और PRAN प्रान को तब इनएक्टिव या फ्रीज मान लिया जाता है जब ग्राहक इसमें न्यूनतम वार्षिक अमाउंट का निवेश नहीं करता है। ऐसे खाते को रीएक्टिवेट या अनफ्रीज करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जानिए कितना देना होगा मिनिमम अमाउंट यानी योगदान। किसी ग्राहक को रजिस्ट्रेशन के समय टीयर 1 के लिए 500 रुपये व टीयर 2 के लिए 1000 रुपये का न्यूनतम शुरुआती अमाउंट यानी योगदान देना होता है। इसके बाद NPS अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए टीयर 1 अकाउंट में 1000 रुपये वार्षिक योगदान देना होता है और टीयर 2 के लिए इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब राशि का योगदान नहीं करने के कारण आपका NPS अकाउंट खाता बंद या इनएक्टिव कर दिया जाए। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आप खाते को कैसे रीएक्टिव करेंगे। ऑफलाइन तरीका, इसके लिए आपको टीयर 1 खाते के लिए न्यूनतम 1000 रुपये जमा करने होते हैं वरना खाता आपका फ्रीज हो जाता है। NPS अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए आपको फ्रीज अवधि के दौरान न्यूनतम योगदान का कुल भुगतान करना होगा, साथ ही कुछ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। खाते को अनफ्रीज करने के लिए आपको POP यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के पास जाना होगा और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। ये ऑनलाइन तरीका। NPS खाते के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन यानी योगदान ऑनलाइन किया जा सकता है। जब एक वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये का न्यूनतम भुगतान किया जाता है तब NPS फिर से एक्टिव हो जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी योगदान करने के बाद इस NPS अकाउंट को अनफ्रीज होने में कुछ दिन का समय लगेगा, तब तक हमें वेट करना होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले गूगल में NPS लिखकर सर्च कर लेना है। यहाँ पर सर्च होने के बाद हमें सबसे पहले वाली साइट पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा या वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर हमें लॉगिन विद प्रान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सब्सक्राइबर वाले फील्ड में हमें लॉगिन करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र आईडी डालेंगे, फिर हम पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे, यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो NPS अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है और हमें मिनिमम 1000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन या योगदान करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इसे लॉग आउट कर देना है। आप वापस से उसी लॉगिन विद प्रान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पर इन्वेस्ट इन NPS वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यह हमें एक अलग साइट पर लेके जाएगा जो कुछ टाइम लेगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना प्रान नंबर डालना है, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद में दोनों ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है और कैप्चा डालना है। यहाँ पर सारी डिटेल्स डालने के बाद हमें वेरीफाई प्रान पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हमें सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। OTP एंटर करने के बाद हमें सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें टीयर 1 सेलेक्ट करना है और मिनिमम 1000 रुपीज़ हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर POP का कुछ कमीशन है और कुछ रुपए यहाँ पर हमें GST पे करना है। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन हैं। हम बिल्डेक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दो चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना टोटल प्रीमियम देख सकते हैं जो आप यहाँ पर पे करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट बैंकिंग पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और ना ही यहाँ पर डेबिट कार्ड पर किसी प्रकार का कोई चार्ज है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर आपको चार्ज पे करना होगा। हम यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें UPI का ऑप्शन या QR कोड का भी ऑप्शन है। हम QR कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भीम UPI वाला QR सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक QR कोड है जो कि 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। इसे हमें किसी भी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से स्कैन करके और पेमेंट कर देनी है।
यहाँ पर पेमेंट होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें पेमेंट रिसिप्ट हमें सेव कर लेनी है ताकि बाद में यदि कोई इश्यू हो तो हम उस पेमेंट रिसिप्ट का यूज करके इश्यू को रिजोल्व कर सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।